अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में 3 जुलाई से 13 जुलाई तक फिर लॉकडाउन, 10 दिनों में शहर रहेगा बंद लेकिन एपीएमसी और एमआईडीसी में चालू रहेगा कारोबार। नवी मुंबई महानगर पालिका ने 3 जुलाई से 13 जुलाई तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मनपा आयुक्त एबी मिसाल ने बताया कि इस दौरान सिर्फ एमआईडीसी और एपीएमसी मार्केट चालू रहेंगे, बाकी सभी दुकान, प्रतिष्ठान और कार्यालय पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। बता दें कि फिलहाल नवी मुंबई के 20 कंटेनमेंट जोन में 29 जून से 5 जुलाई तक लॉकडाउन चल रहा है। अब बाकी इलाकों में भी लॉकडाउन की खबर से नागरिक टेंशन में आ गए हैं। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने कोरोना की आड़ में चल रहे इस लॉकडाउन को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जब एमआईडीसी और एपीएमसी भारी भीड़ के बावजूद चल सकते हैं, तब शहर के दूसरे इलाकों को सील करने और गरीबों की रोजी रोटी छीन कर उन्हें मारने की जरूरत भला क्या है? इतने सारे लोगों को घर में बांध के रखना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जो कंपनियां चल रही है, कंपनी में लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी है इसलिए नहीं जा रहे? मुझे बताओ ना, अगर बहुत खुशी है तो जो सरकारी बाबू यहाँ पर लाखों रुपए पगार ले रहे हैं वो अपने दफ्तर में रोज क्यों नहीं जाता है? मैं जो कहता हूँ, जो निजी झोपड़पट्टी में रहने वाला, निजी कंपनी में काम करने वाला आदमी जिस दिन स्कूल कंपनी में जाएगा उस दिन की तनख्वाह उसे मिलेगी, इसलिए वो जा रहे, ना कि उसको महीने की तनख्वाह मिलेगी तो वो भी नहीं जाएगा। मुझे बताए, सारे सरकारी कार्यालय जो है वो 100% चालू करो और उनको चालू करो, फिर पता चलेगा कि आप, अरे आपको तो सरकार का पूरा सपोर्ट है, पूरा पैसा मिल रहा है और हमको बोल रहे हैं कि आप अंदर बैठो, ये साजिश नहीं तो क्या है? फिलहाल 10 दिनों के नए लॉकडाउन से लोगों के कारोबार और सामान्य जीवन पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।